हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग दो लेक्चर पढ़ चुके थे। लास्ट लेक्चर जो था आपका, वो क्लॉक पे डिपेंडेंट था। तो क्लॉक के कुछ क्वेश्चन आपके कोर्स में रहते हैं और बाकी वो कंपटीशन का ही पार्ट है। तो कई बच्चे पूछे, सर ये किसका पार्ट है, तो दिया नहीं हुआ है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है जो रेडियन और डिग्री और ग्रेड पे डिपेंडेंट होता है। तो उसका ट्रिक भी सीख चुके थे और उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। बाकी आप क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो पूछते रहिएगा। अब हम लोग की जो मेन ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट होगी आज से, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, देखिए पहला हेडिंग मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप सोचेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है, ठीक। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज का लेक्चर है कि ट्रिग्नोमेट्री जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो कुछ लिमिटेशंस में होती है, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन जब उस लिमिटेशन पे हम लोग खरा नहीं उतरता है ट्रिग्नोमेट्री, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे सिस्टम को पढ़ते हैं और उस सिस्टम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उस सिस्टम का नाम होता है सर्कुलर सिस्टम। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्लास टेंथ में जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि आज का जो, ये भी बता दे रहा हूं, आज का जो लेक्चर है आपका वो काफी कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको समझना है। लिखने वाली चीजें कम है, समझने वाली चीजें ज्यादा हैं। तो मेरी बात को सुनिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 तक हम लोग ने पढ़ा था वो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के लिए पढ़ा था, मतलब 90 पे डिपेंडेंट पढ़ा था। बाकी जो बच्चे मुझसे पढ़े थे टेंथ में भी, उनको मैं 90 से ऊपर भी वैल्यूज बताया था। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्या है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए पढ़े थे। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, देखना ध्यान से, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इसका नाम ए दे दे रहा हूं, इसका नाम बी दे रहा हूं, इसका नाम सी दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, और यहां पे एक एंगल सपोज कर लेते हैं कि एक एंगल थीटा है, थीटा बीटा अल्फा गामा कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे इसी में एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो इसका सिमिलर ट्रायंगल हो, सिमिलरिटी आप क्लास 10 में पढ़े ही है। तो अगर एक ऐसा ट्रायंगल बना है जो सिमिलर ट्रायंगल हो, तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इसको क्या मान लूंगा, परपेंडिकुलर मान लूंगा, और इसको ए डैश बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, बी डैश। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब तीनों एंगल जो होंगे वो दोनों ट्रायंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ए बी सी एंगल जो होगा, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अब बात हुई कि जब भी ये थीटा, मेनली बात किसकी होने वाली है, थीटा, थीटा जब भी सेम रहेगा, जब भी अलग नहीं होगा, मतलब थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तब तक हमेशा जो इस साइड का ए बी और बड़े वाले ट्रायंगल का साइड क्या है, बी सी, इस साइड का जो रेशियो होगा वो छोटे वाले ट्रायंगल के साइड ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी के क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना ये रेशियो हमेशा बराबर होगा, यही तो हम लोग सिमिलरिटी में पढ़ते थे। तो जब सिमिलरिटी का यूज ट्रायंगल में किया गया, देखा गया कि जब तक थीटा सेम रहेगा तब तक क्या होगा, साइड के रेशियो हमेशा क्या होंगे, सेम रहेंगे। इसका मतलब साइड का रेशियो किस पे डिपेंड किया, थीटा पे डिपेंड किया। यानी अगर थीटा नहीं चेंज होगा तो साइड का रेशियो भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो साइड कितनी बड़ी हो चाहे वो साइड कितनी भी छोटी हो, जो रेशियो होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो मैं लिख दिया 1/2, तब भी सेम है, 2/4 लिख दिया तब भी सेम है, 3/6 लिख दिया तब भी सेम है। देखो साइड चेंज हो रही है लेकिन दोनों का रेशियो क्या है, हमेशा सेम आ रहा है। इसको कट करोगे 1/2 ही आएगा, इसको कट करोगे 1/2 ही आएगा। यानी अगर थीटा चेंज नहीं होगा तो साइड का रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। दिमाग में बैठा लो, इसको नोट करो जल्दी से। अब चलो देखो, अब इतना फैमिलियर हो गए तुम क्लास टेंथ में कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते थे, 6 होते थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक होता था, टेन का उल्टा क्या होता था, कॉट होता था, और सेक का उल्टा क्या होता था, कॉस होता था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको टेंथ की पता है, हल्का फुल्का रिवीजन भी करवा दूंगा टेंथ का ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। अब देखो टेंथ क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की बात करते थे और बोलते थे या तो इसको याद कर लो या तो इसका ट्रिक्स देख लो। लेकिन आखिर वो वैल्यू आई कहां से, साइन 45 की वैल्यू कहां से आई, कॉस 45 की वैल्यू कहां से आई, टेन 45 की वैल्यू कहां से आई। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज देखेंगे, वो वैल्यूज आ कहां से रही है, एक्चुअल में ये वैल्यू कहां से आती है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे आ रही है। तो देखो जब टेन 45 की बात करेंगे, टेन नहीं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल 45 की बात करेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो,
एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और इसका नाम दे दो ए बी सी। ये चीज यहां बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप इलेवेंथ में आ गए हो, कंपटीशन का एग्जाम भी दोगे आप, तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आखिर हो क्या रहा है। केवल याद करने से अब चीजें नहीं चलेंगी, वो क्लास टेंथ तक की चीज थी। तो जिस दिन हमको 45 निकालना होगा उस दिन ट्रायंगल में 45 का डिग्री का एंगल बनना भी तो चाहिए। अगर 45 डिग्री बनेगा ही नहीं ट्रायंगल में तो क्या हम लोग टेन 45 निकाल पाएंगे, साइन 45 निकाल पाएंगे? नहीं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये तो पता है 90 डिग्री हो गया, एक एंगल को मैंने 45 कर दिया। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अच्छा, ये ट्रायंगल कैसा हो गया, ये 45, दो एंगल, जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड भी तो बराबर होती है, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अभी दिमाग में बैठा लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिस दिन बोलेंगे क्या उस दिन अगर ये साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन डिटरमाइन द व्हाट द वैल्यू ऑफ एसी। हम लोग एसी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखो, मैं लिखूंगा नहीं, अभी 11 में पहुंच गए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हुआ 2a² और जब उसका रूट लोगे तो क्या हो जाएगा a√2, कितना हो जाएगा a√2। तो एसी की साइड कितनी आ गई, a√2 हो गई। अब तुमको मैं बोल रहा हूं सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहां से निकाल सकते हो, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45 आ रहा है, कोसेक 45, ठीक है। अब कैसे निकाल सकते हो, देखो ये सब डिग्री है, लिख लेना कहानी, ठीक है। अब अगर साइन 45 की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 45 के लिए, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए, हाइपोटेनस कितना हो गया a√2, तो कट गया, वैल्यू देखो आ गई 1/√2, यही तुम याद करते थे, याद करते थे ना। फिर cos 45 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया a, हाइपोटेनस कितना हो गया a√2, फिर से कट गया, वैल्यू आ गई 1/√2। 1045 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए अपॉन ए, कट गया, वैल्यू कितनी होगी 1 आ गई। इस तरह आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत? यानी कि ये समझ में आया कि ये 45 डिग्री की वैल्यू आ कहां से रही थी। अभी तक तो रट रहे थे कि सर 1045 1 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम लोग समझ भी गए हैं कि ये कहां से आ रहा है, ऑब्जर्व भी हो गया कि ये चीजें कहां से निकल के आ रही है। तो अभी मैंने आपको किसके लिए बताया, 45 के लिए, फिर बताऊंगा 60 और 30 के लिए, और जब 0 और 90 की बात बताऊंगा तब आप कहानी में ट्विस्ट देखेंगे कि कहानी में ट्विस्ट क्या है आखिर। राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ लिमिटेशन है, इस वजह से हम लोग दूसरे सिस्टम की बात करेंगे, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 45 सीख गए, अब हम लोग सीखेंगे 60 और 30 वाला। तो इसके लिए दिमाग में एक चीज बैठाओ, सबसे पहले बनाएंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये मत बोलना सपना नहीं आया मुझे, मैं बता रहा हूं, सीखना ध्यान से कैसे होता है, मैथ सही है, समझे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 40-40 डिग्री के होंगे ना। हाँ चिरकुटो, 40-40 होंगे, 60 होगा पहलू। चलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री का होगा। तो अगर 60 डिग्री के तीनों तीनों एंगल होंगे तो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहा हूं, एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे मैंने इस पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और पुरानी चीज अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आप वाकई में चीजें याद रखते हैं कि नहीं याद रखते हैं। इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, ठीक। ये 60 था, ये 60 था, ये 60 था, मैं इसको बोल दे रहा हूं ये 30 होगा, ये 30 होगा, ठीक है। रीजन क्या बोलने का, देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर तुम परपेंडिकुलर बना दोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, याद रखना, ये गलत है। तुमको बताए थे जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें इन सेंटर, सरकम सेंटर, मीडियन, ये सारी चीजें क्या होती है, एक ही पॉइंट पे आती है। यानी अगर मैं इसका सारा कुछ बनाऊंगा सब जाके यहां पर मिल जाएगा, सरकम सेंटर और आपका क्या इन सेंटर, ये सारे मीडियन और सेंट्रोइड, ये सारे क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे कट होते हैं, आपको बता भी चुका हूं मैं पहले क्लास टेंथ में। तो दिमाग में इतना याद रखिएगा कि केवल दुनिया में एक ऐसा ट्रायंगल ही है, वो ट्रायंगल कौन सा है,
कौन ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जब उसका हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं तो वही परपेंडिकुलर क्या होता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, याद रखेगा। तो अगर ये टोटल 60 था तो ये कितना हो गया 30 हो गया, और ये भी कितना हो गया 30 हो गया। अच्छा ये 30 हो गया, ये कितना था 60 था, ये कितना है 90 है, समझ में आया। ये भी कितना है 90 है, ये 30 है, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहां तक की कहानी में कोई दर्द है, कोई तकलीफ, दिमाग लगाओ तब तक फिगर देखो। चलो देखो इधर, अब क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर ये साइड ए होगी तो ये भी साइड ए होगी। देखो ए लूंगा तो ए बाई टू हो जाएगा, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, मैं इसको टू ए ले रहा हूं, मेरा मन तुम थ्री ए ले लेना, तुमको जो कैलकुलेशन आसान पड़े, इसको टू ए ले ले रहा हूं, इसको टू ए ले ले रहा हूं, आंसर सेम ही आएगा सब में। अच्छा मान लो अगर ये 2a है तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की है, जो परपेंडिकुलर होगा वही बाइसेक्टर भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई a, ये कितना हो जाएगा a, समझ में आया, कोई तकलीफ। अब देखो ये वाली साइड मुझे पता चल जाएगी कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये कितना है 2a है, ये कितना a है, चलो एक बार कर ही देता हूं। इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD में, किसमें, ट्रायंगल ABD में अगर बात कर रहे हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसका टू, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है निकाला जाएगा, बेस कितना है a प्लस a स्क्वायर, इसको इधर करेंगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर इसका टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई a रूट 3, कितनी हो गई a रूट 3, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई a रूट 3 आ गई। वैसे भी तुम लोग को बता चुका हूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, सॉरी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो हमेशा क्या होती है a रूट 3 होती है, कितनी होती है, सॉरी गलत है, ये रूट 3 बाई 2a होती है, याद रखना रूट 3 बाई 2a होती है किसी भी राइट एंगल, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग जो भी हाइट होगी वो कितनी लेंगे रूट 3 बाई 2a, ये याद रखना है। अब बोलोगे कंफ्यूजन है, नहीं, जो ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है वो रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर होता है, ये भी दिमाग में बैठा रखना, दोनों में कंफ्यूजन होता है। रूट 3 बाई 2 ए क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होगी, और ये क्या होगा एरिया होगा। अब देखो यहां पे अगर तुमको निकालना है साइन 30 कॉस 30 टेन 30, अब मैं कुछ का निकाल दे रहा हूं कुछ अपने मन से तुम निकालोगे। अगर हम लोग को टेन साइन 30 निकालना है, साइन 30 ये वाला एंगल, अच्छा इस वाले एंगल को निकालना है तो उसके लिए बेस क्या होगा, लगा हुआ साइड एडजेसेंट साइड, ये क्या होगा बेस होगा, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस तो दुनिया में कभी चेंज नहीं हो सकता है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा a, और हाइपोटेनस कितना होगा 2a, कट के कितना है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1/2, ये आपको याद भी होगा, ठीक है। कॉस 30 की बात करते हैं, कॉस 30 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस तो यही रहेगा, कितना बेस कितना रहेगा a रूट 3, हाइपोटेनस कितना होगा 2a, a से a कैंसिल हो गया रूट 3 बाई 2, समझ में आया, कोई दिक्कत। आप टेन 30 के लिए निकाल सकते हो, टेन 60 के लिए निकाल सकते हो, मतलब हम लोग को ट्रायंगल का साइड लेके हम लोग क्या निकाल दिए 30 60 और 45 की वैल्यूज हम लोग निकाल लिए इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप दिमाग में बैठाए रहिएगा, कभी आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी, ऐसा नहीं केवल वैल्यू याद करेंगे तभी आपको आएगा, बल्कि आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखे ना, ऐसा भी कुछ हो सकता था, इसके पहले ऐसा कुछ तो नहीं सोचे थे लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता था, आपने सीख लिया। अब आपको सिखा रहा हूं 0 और 90 के लिए सबसे बेहतरीन पार्ट, नोट करिए उसको। चलो भाई देखो, अच्छा ये ए की जगह याद रखना, ए जो है तुम्हारा ये साइड है, याद रखना रूट 3 बाई 2 इंटू साइड, रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, यानी तकलीफ ना हो कि हमेशा ए ही रखते जाओ, ए का मतलब साइड हो गया। अब बेहतरीन पार्ट आने जा रहा है इसका, बेहतरीन पार्ट क्या है, हम लोग सीखेंगे 0 एंड 90 के लिए, ठीक है। और यहां पे जब आप सीखोगे तो आप सेटिस्फैक्टरी नहीं होगे, आप सेटिस्फाई नहीं होगे, और उसी सेटिस्फैक्शन को हम लोग को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो देखते हैं, मान लो 0 डिग्री का एंगल बना सकते हो क्या, 0 डिग्री का एंगल पॉसिबल है, नहीं, तो हम लोग केवल सोच सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 0 डिग्री बनाना भी चाहूं, देखो बोर्ड पे ध्यान से, अगर 0 डिग्री बनाना भी चाहूं तो ध्यान देना, मुझे एक ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा
जिसमें जीरो डिग्री फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। तो जीरो डिग्री तो का ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। जीरो डिग्री का ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से और बताइए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाते हैं इसको। मैंने लिख दिया ए बी सी और यहां मैं मान के लाऊ ये जीरो डिग्री है, मतलब इसको मैंने एकदम नेग्लेक्ट ले लिया, एकदम छोटा ले लिया। अच्छा, अगर ये जीरो डिग्री है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये जीरो डिग्री है तो जीरो डिग्री के सामने जो साइड होगी ये भी तो बहुत छोटी होगी। हाँ या ना? देखो हिंदी में लिख रहा हूं, समझ में आएगा, फील आएगा। चलो, जीरो डिग्री के सामने जो साइड होगी वो बहुत छोटी होगी कि नहीं होगी? अच्छा, जितना बड़ा एंगल उसके सामने की साइड उतनी बड़ी। तो अगर जीरो डिग्री है तो उसके सामने की जो साइड होगी वो भी तो बहुत छोटी होगी, वेरी लेस होगी। और अगर ये साइड बहुत छोटी होगी तो हाइपोटेनस वाला क्या होगा बे? बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब हाइपोटेनस बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं बहुत छोटे की बात कर रहे हैं, यानी बहुत छोटे को हम लोग क्या बोलते हैं? नेग्लेजिबल बोलते हैं। उसको ऐसे क्या ट्रीट करते हैं? जीरो की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू निकालना चाहूं, क्योंकि ये जीरो डिग्री है तो साइन जीरो की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? बहुत छोटी वैल्यू। परपेंडिकुलर क्या है? बहुत छोटी वैल्यू। और हाइपोटेनस क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू। अच्छा, परपेंडिकुलर बहुत छोटी है, हाइपोटेनस बहुत बड़ी है, तो बहुत छोटी को बहुत बड़ी से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या ऑलमोस्ट जीरो आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑलमोस्ट जीरो, ना कि जीरो। क्या बोलोगे? ऑलमोस्ट जीरो। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये तो मजा नहीं आया, ठीक, अब वाकई मजा नहीं आएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप इसको काम चलाओ मेथड कह सकते हो। कैसा मेथड कह सकते हो? काम चलाओ मेथड, कि सर ये तो अपने लॉजिक के थ्रू मैं सोच के बता दिया कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे कर लिए, लेकिन इसमें कमी है कि नहीं है? बिल्कुल कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री 11th में एक नया सेक्शन आया, जिसको बोला गया, एक नया सिस्टम आया जिसको बोला गया सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोला गया? ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। आप भी सोचिएगा तब तक कि क्या सर्कुलर सिस्टम में ऐसा कुछ पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर नहीं आप बता पाएंगे तो मैं तो अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ठीक है। बाकी अभी हम लोग कुछ 10th के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका एक क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है? नोट करिए। चलो, तो हम लोग यहां तक पढ़ चुके 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए और 90 और 0 में आपको बताया कि कुछ हमारे पास क्या है, लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लिमिटेशन को दूर करेंगे, मतलब एक लिमिटेड वे में नहीं रहा जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी और एक्सपेंड होने वाली है। उससे पहले आपको चार क्वेश्चन मैं लिखा हूं क्लास 10th लेवल के, ये चारों क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आगे हम लोगों को पढ़ने में और अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। चलो, ये मैं बता दे रहा हूं क्या प्रूफ करना रहता है, इन दोनों पहला और दूसरा क्वेश्चन प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करके आता है 1-2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्वेश्चन प्रूफ करने के आता है 1-3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्यों मैं इस दोनों क्वेश्चन को कराया हूं, क्यों इस दोनों क्वेश्चन को कराया हूं, क्यों कराया हूं? रीजन ये है कि दोनों क्वेश्चन एज ए फॉर्मूले के फॉर्म में क्लास 11th में आपके यूज होंगे, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन दोनों आपको 10th में बताया था कि ये आप क्वेश्चन आप 10th में प्रूफ करते हो, क्लास 11th में आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप प्रूफ कर लेना। फिर एक लिखा है 10 थीटा प्लस टेक थीटा इक्वल टू 1.5 फाइंड द साइन थीटा, ये भी क्वेश्चन आप कर लेना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस का पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस का पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस का पावर 8 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। ये चारों क्वेश्चन आप जरूर लगाएंगे, ठीक है, दिमाग में बैठा रखिए। और जब ये चारों क्वेश्चन लग जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, किसकी? सर्कुलर सिस्टम की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।